हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. राधे राधे. कैसे हैं हमारी लवली फैमिली? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे. तो चलिए, आज अपने काम में से थोड़ा सा समय निकाल कर मेरी वीडियो की तरफ, आज मैंने वीडियो में क्या बनाया है वो आपके साथ शेयर करूँगी. तो जी हाँ दोस्तों, आजकल ये देखिए, आपको देखने में लग रहा है ना खूबसूरत. जी हाँ, ये पुलाव है. आज मैंने सोचा आपके साथ जीरा राइस विथ मटर की रेसिपी शेयर करूँ. तो न्यू ईयर के दिन हमारे घर में यही बना था लंच में. तो चलिए हमारे किचन की तरफ. ये आपको मैं सर्विंग दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है ना. सोच लो खाने में कितना मज़ा आएगा. हमारे कौन कौन से फ्रेंड हैं जिसके घर में जीरा राइस पुलाव आज न्यू ईयर के दिन बना है? देखिए लग रहा है ना बिल्कुल फ्रेश. तो इसके लिए हमने ले लिया है मटर और गाजर. हाँ, उसमें मैं एक गाजर भी डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, कलर भी अच्छा लगता है देखने में और खाने में स्वाद भी अच्छा लगता है. आजकल तो ठंडी का समय है, मस्त मटर मिला है, तो मैं सोची चलो आज मटर की पुलाव बनाया जाए. इसके लिए हमने मटर को बढ़िया से धो के छील ली हूँ, छील के धो ली हूँ. और इसके लिए हमने चावल ले लिया है. चावल वही नॉर्मल वाली है मेरी, आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल चावल जो डेली बनता है ना वही लिया है. और ये देखिए, हमने चावल की मात्रा 2 कटोरी लिया है, बारीक वाली चावल है. और उसके लिए हमने मटर ले ली हूँ बढ़िया से साफ करके, गाजर ले ली हूँ बारीक नहीं चॉप करी हूँ, थोड़ा सा मोटा है. उसके बाद जीरा ले लिया, ढेर सारा जीरा है, काली मिर्च है 10 से 12, लौंग है 5 से 6, तेज़पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा है, एक नींबू है और अदरक को मैंने ग्रेट करके ले लिया है बस. और ये चावल को मैंने 10 से 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था. ये देखिए पानी इसका निचोड़ लिया था ताकि चावल ज़्यादा फूले नहीं. उसके बाद मैंने कुकर को डाल दिया है गैस पर, कुकर के गर्म होते उसमें मैंने डाल दी हूँ रिफाइंड ऑयल. आप चाहे तो इसमें घी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे रिफाइंड ऑयल में ही बनाऊंगी. उसके बाद तेल का मैं वेट करती हूँ. उसके बाद मैंने ये जो खड़े मसाले हैं ना उसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और ढेर सारा जीरा. ज़्यादा इसको जलाना नहीं है चूँकि ज़्यादा जलाने से वो जो खड़े मसाले ना उसका स्वाद कड़वा हो जाता है. उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है गाजर. मैं इसमें प्याज का यूज नहीं कर रही हूँ चूँकि मैंने बिना प्याज का ही बनाना था मुझे, और मटर. और हाँ फ्रेंड, जब तक मेरा मटर और गाजर भून रहा है ना, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा. जो भी न्यू बंदा है ज्वाइन करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो का आनंद उठा सकें. और हाँ फ्रेंड्स, जो पुराने उनको दिल से शुक्रिया. प्लीज़ अपना सपोर्ट एवं प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है हमें. ये देखिए बातों बातों में मुझे मेरा गाजर और ये मटर जो है ना भून के रेडी हो चुका है. उसके बाद मैंने डाल नींबू को निचोड़ ली हूँ, एक नींबू मैंने पूरा लिया. नींबू डालने से उसका स्वाद भी दुगना हो जाता और चावल जो है ना खिले खिले होते, चिपकते नहीं आपस में. उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें ये जो चावल, धोया हुआ चावल, और उसी कटोरी से नाप के मैंने डाल देनी है 2 से 4 कटोरी पानी. और ये देखिए चावल को मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी. उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नींबू का जूस, जरा सी धनिया की पत्ती, आप यहाँ पर कसूरी मेथी का भी यूज कर सकते हैं. उसके बाद इन सारे चीज़ों को मिलाने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है, बढ़िया से कलछी से चला लूँगी और उसे 1 सीटी आने का वेट करूंगी. ज़रा सा नमक डाली हूँ चूँकि मुझे इसे दाल के साथ खानी है. उसके बाद उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच देसी घी. फिर देखिए स्वाद, चावल मेरा पक के रेडी हो चुका है. ये देखिए मैंने आपको इसे खोल के दिखा दी हूँ, कितना खिला खिला लग रहा है ना, बिल्कुल चिपका नहीं है एक दूसरे से. बढ़िया से इन सारे चीज़ों को मिला लीजिए, थोड़ा ठंडा होने के बाद मिलाना, नहीं तो ये चिपक जाते हैं आपस में. ऊपर से डाल दीजिए ज़रा सा और धनिया की पत्ती, और ये देखिए मस्त कलर लग रहा है ना दोस्तों, वाह सुपर. फिर देर किस बात की, आप लोग ही फटाफट से जाइए और पुलाव को बनाइए, इंजॉय कीजिए मेरे तरीके से. ये देखिए ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कितना मस्त लग रहा है ना दोस्तों. और जब पुलाव बनाए तो दाल फ्राई तो बनता है ना दोस्तों, इसके लिए हमने चना दाल का तड़का, यूँ बोले हमारे बिहार की भाषा में, तड़का बना ली हूँ, ये भी ज़बरदस्त है. उसके बाद मैंने बना लिया है मिक्स वेज. सीजनल सब्जी का टाइम है तो मिक्स वेज तो बनता है ना दोस्तों. और ये गया दही, दही मेरा सिंपल ही है, मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया है. उसके बाद डाल दीजिए सलाद,
गाजर और बीटरूट, और उसके बाद आप चाहे तो पापड़ भी तल सकते हैं, लेकिन आज मैंने पापड़ नहीं तला है, मुझे मूड नहीं था, मैं थक गई थी बहुत। फिर मैं मिलूंगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।